प्यार से बुलाया शिवम लौटा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज हम वीडियो में बात करेंगे क्या माइटी मॉर्फर का जो निंजा मेगाजॉर्ड है, क्या ये शक्तिमान को हरा सकता है? वो कहोगे माइटी मॉर्फर के पास निंजा मेगाजॉर्ड कहाँ से आ गया भैया? तो ये जोर्डान की कृपा है। जोर्डान को इस बार भी खिलौना दे देते हैं पावर रेंजर्स को। पहले इनके पास वो नॉर्मल डायनासोर वाला मेगाजॉर्ड था, फिर उसके बाद इनके पास आया दूसरा मेगाजॉर्ड, फिर उसके बाद उसे भी इन लोगों ने तोड़, मतलब विलन पार्टी ने तोड़ दिया। उसके बाद जोर्डान ने कहा भैया जाओ निंजा पावर्स के साथ नया निंजा मेगाजॉर्ड लाओ, जिसके पास आपको निंजा कॉइंस भी मिलेंगे। तो दोस्तों फिर उसके बाद क्या हुआ, पावर रेंजर्स निकल गए इस सफर पे और जाके ढूंढा निंजा शॉगन को और फिर ये शॉगन मेगाजॉर्ड। तो दोस्तों यहाँ पे जो निंजा मेगाजॉर्ड है शक्तिमान को हरा सकता। तो दोस्तों मैं बता दूं कि शक्तिमान की कोई कमजोरी है नहीं, शक्तिमान की भी कमजोरी बस एक ही है जो सुपरमैन की। जैसे सुपरमैन क्रिप्टोनाइट देख के खड़खड़ाने लगता है, उल्टियाँ करने लगता है, कांपने लगता है, उसी तरह शक्तिमान कोई पापमणि दिखा दो इसकी भी हालत खराब हो जाती है। और बाकी कोई उतनी ज़्यादा शक्ति नहीं है, बाकी अगर मारना तो गंगाधर को मार दो बस बात खत्म। लेकिन यहाँ जो ये मेगाजॉर्ड है इसकी कमजोरी है, इसे हराया जा सकता है, इसे विलन्स ने हराया भी। तो अगर ये शक्तिमान से लड़ेगा तो अगर इसके पास पापमणि है, अगर इसने कहीं से पापमणि का जुगाड़ कर लिया, तो जैसे बैटमैन ने सुपरमैन को बहुत बुरी तरह से पीटा था ना, तो उसी तरह से ये भी शक्तिमान को पीट सकता है बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों उस कंडीशन में ये शक्तिमान को हरा सकता है, लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे शक्तिमान का पड़ा भारी है और शक्तिमान वापस मारेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हम मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय दोस्तों।